चलिए एक टॉपर से मिलते हैं, निमसेट 22 के हर्ष गोयल से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 2 है, जो कि धौलपुर राजस्थान से। इनका एक शॉर्ट इंटरव्यू तो आपने देखा होगा जो मैंने जूम पे लिया था, पर वो क्योंकि एकदम से रिजल्ट आया था जब का था। अब ये अवार्ड सेरेमनी के लिए आए हर्ष, तो अब आपके साथ पर्सनली मतलब 1-on-1 इंटरव्यू हो रहा है। तो हर्ष, सबसे पहले तो आपको बेटा ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो वो बहुत शॉर्ट में इंटरव्यू लिया था, अब आपके पास काफी ज्यादा एक्सपोजर है, आपने फाइनली लीडर के साथ ये रैंक अचीव किए, तो मैं चाहूंगा हर्ष आप, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो आप लोगों के इंटरव्यू सुन के ही अपने आप को रिलेट करते हैं, तो आप अपनी सक्सेस जर्नी जो है और सक्सेस की जो है वो मैं चाहूंगा डिटेल में बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है, जैसे कि सर ने बताया, और मेरी ऑल इंडिया रैंक सेकंड है निमसेट 2022 एग्जाम में। तो एक्चुअली ये जो जर्नी थी वो मेरी स्टार्ट होती है सेकंड ईयर के एंड, मतलब सेकंड ईयर मतलब मिड में मैंने देखा था इम्पेटस की कोचिंग, और मैंने मतलब तब पहले मैं ऑफलाइन आने का सोचा मैंने, तो मैं ऑफलाइन आ गया था, जैसे ही घर वालों ने भी सपोर्ट किया ऑफलाइन आने के लिए, तो मैं फिर ऑफलाइन ज्वाइन किया, 2-3 महीने वहाँ पर पढ़ा, फिर एक्चुअली कोरोना आ गया था तो मैं फिर घर चला गया था। और मेरा ये था कि मतलब मेरे को ऑफलाइन ज़्यादा सूट भी नहीं कर रहा था, होता है हर बच्चों के साथ, किसी को ऑफलाइन पसंद होता है, किसी को ऑनलाइन पसंद होता है, तो मेरे तो प्रतीक सर से भी काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ती थी, मतलब मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था ऑफलाइन में, मेरे मतलब सिटिंग हैबिट नहीं थी इतनी ज़्यादा जितनी और वर्क की होती है। तो मैं फिर घर चला गया और फिर ऑनलाइन में ही मैंने शिफ्ट कर लिया था, और फिर ऑनलाइन में क्या होता था कि मतलब अपनी मर्जी से पढ़ लो, तो मैं मेरा भी यही था कि मतलब मैं कभी रात में भी पढ़ रहा हूँ तो कभी दिन में भी पढ़ रहा हूँ, पर ये नहीं था कि मतलब कंटिन्यूसली पढ़ रहा हूँ, कभी भी मतलब मन करता था उस हिसाब से पढ़ता था। तो सर तो हमेशा ही गाइडेंस देते रहते थे, क्लास होती थी सर की, मतलब सुबह प्रतीक सर की होती थी 8-10 में, और फिर शाम को सर सर की होती थी 5-7 में, तो 4 घंटे तो इम्पेटस से कनेक्टेड रहती थी, बाकी सर शीट्स देते थे उनको सॉल्व करते थे, और मेरा ये था कि मैं शीट्स को टाइम लगा के सॉल्व करने की कोशिश करता था, जिससे ये होता था कि एग्ज़ाम जैसा प्रेशर मतलब जो क्रिएट होता है वही मैं घर पर क्रिएट करने की कोशिश करता था, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए एक्चुअली में। और सारी मैंने शीट ऐसी सॉल्व की है, और बुक्स तो मैंने ज़्यादा लगाई नहीं थी, बुक्स तो मैंने ऐसा था कि कुछ चैप्टर्स के लिए लगाई थी, कुछ के लिए नहीं भी लगाई थी, मतलब सर का मटेरियल काफ़ी इतना एनफ होता है कि आराम से वो क्लियर हो सकता है आपका एग्ज़ाम, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मतलब आपको कोचिंग ज्वाइन ही करनी है ना, कि मतलब सेल्फ स्टडी से बिल्कुल निकाला ही नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना मतलब हार्ड एग्ज़ाम नहीं है ये जितना कि मतलब बना दिया गया है लोगों ने, पर हाँ ये है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक कंसिस्टेंसी मिल जाती है, रेगुलरिटी मिल जाती है, जिससे कि आप कनेक्टेड रह पाते हो, सेल्फ स्टडी में वो बच्चा इतना डिसिप्लिन नहीं रह पाता है, बस यही है, बाकी तो आप अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और सेल्फ स्टडी करो तो भी आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए जैसे अभी हर्ष ने कुछ बातें बताई, मेरा अब तक का अनुभव ये कहता है कि कोई भी बच्चा अगर समय रहते हुए ज्वाइन करता है या स्टार्टिंग से पढ़ता है, जैसे आपको अभी बोला कि सेकंड ईयर में हर्ष भोपाल आया, 2-3 महीने रहा अभी, बिल्कुल सही बात है, हर एक का नेचर अलग होता है। भोपाल जब कोई बच्चा आता है तो मैं हमेशा बोलता हूँ वो, क्योंकि उनका एक रूटीन होता है मॉर्निंग 8 to evening 9 तक, तो कई लोगों को इस तरह की सिटिंग हैबिट नहीं होती, कई लोग बना लेते हैं, तो इसने घर पर रह के पढ़ाई की, पर पढ़ाई की, और दूसरी बात सेकंड ईयर के मिड से ये प्लान कर लिया था, और ये बहुत बड़ा रीजन होता है, कई बार बच्चे फाइनल ईयर के मिड में या फाइनल एंड में डिसाइड करते हैं, अक्सर उनको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है, पर क्योंकि आपने समय रहते हुए पढ़ लिया। दूसरी बात जो इसने बोली कि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिसिप्लिन, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो आपके साथ क्या करता है, जैसे मेरा एक नेचर है कि मैं चाहता हूँ बच्चे डिसिप्लिन लें, लॉजिक बना के पढ़ें, कंसेप्ट बना के पढ़ें, इसीलिए इम्पीटस गुरुकुल में आप देखोगे हर तरह के बच्चे का रिजल्ट है, चाहे वो क्लासरूम का हो, चाहे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का हो, इवन मैजिकल कोर्स का हो, अल्टीमेटली पढ़ने से होता है। तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन होकर प्रॉपर पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, पर अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल देरी ना करें, इमीडिएटली एक्शन रहें, क्योंकि क्लास ज्वाइन करने से या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से कम ये फायदा होता है कि आप एक रेगुलरिटी मेंटेन कर पाते हैं। हर्ष, आपका अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा जो कई बार लेट सोचते हैं, सोचते ही रहते हैं, जो अभी आपने बात बोली ना, जैसे आपने ज्वाइन कर लिया उससे एक रेगुलरिटी बन गई, मैंने देखा कई बच्चे फर्स्ट ईयर से सोचते हैं हमें निमसेट करना है, पर फाइनल ईयर आके भी फाइनलाइज नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? तो अगर आपको जैसे ही आपको पता चल जाता है निमसेट एग्जाम के बारे में, तो मतलब बुराई तो है नहीं निमसेट एग्जाम को देने में, एमसीए एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, तो अगर जैसे ही आपको पता चल जाता है तो आप अपने से बेसिक से आप क्लियर करना चालू कर दो, खुद से ही पढ़ना चालू कर दो थोड़ा थोड़ा, और अगर आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो फिर आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोचिंग में क्या है कि डिसिप्लिन हो जाता है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होती है, शीट्स मिलती है, उनको आप सॉल्व करोगे तो मतलब सिलेक्शन की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं,
और सर का तो तरीका सबसे बेस्ट है ही है, क्योंकि सर क्या है मतलब हर तरीके से सॉल्व करना सिखाते हैं एक क्वेश्चन को। ये नहीं है कि एक मेथड ही है कि उसी से सॉल्व कराएंगे और उसी से आपको सॉल्व करना है, नहीं, मतलब दो तीन तरीके बताएंगे, या तो मेथड हो जाएगा, नहीं तो फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, नहीं तो लॉजिक्स का तो समझता सर पर इतना ज़्यादा कमांड है ना कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए मेरे लॉजिक्स। पहले मैं तो लॉजिक से सॉल्व नहीं करता था क्वेश्चन को, मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करता था, लेकिन सर से ही पढ़ के मतलब मेरे को लॉजिक ज़्यादा काफ़ी क्लियर हुए। हर्ष, ये बात आपने जो बोली ना अभी, ये बिल्कुल सच है और मैं आप सबको बोलूंगा, क्या होता है मैथ्स तो सब कर लेते सॉल्व, जैसे अभी जिन बच्चों ने सेल्फ स्टडी की वो कई बार क्वेश्चन नहीं कर पाए, तो क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना और लॉजिक और टेक्निक से सॉल्व करना उसमें काफी अंतर आता है। तो हर्ष आपने काफी अच्छी बातें बताई, मैं आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, आप ऐसे ही पढ़ें, और क्योंकि आप राजस्थान धौलपुर से हैं वहां पर भी अवेयरनेस बढ़ाएं, और आपको कोशिश करनी है आपके साथ साथ और 10 लोगों को गाइडेंस मिले, क्योंकि देखो क्या होता है एक सक्सेस कई सारी चीजों को चेंज करती है। अब आपके फैमिली मेंबर्स रिलेटिव उनमें तो चेंज आएगा, पर उन बच्चों को जिनके गाइडेंस की जरूरत है उनको भी जरूर गाइड करें। यस सर, थैंक यू।